तो यहाँ हम लोग आ गए मामा के छत पे। अभी बैर की बारिश होने वाली है। बोलिए बंगला, आपसे ही पूछेंगे। मम्मी श्रीति तोड़ रही है बैर, बहुत सारा बैर लेके। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार, मम्मी दीदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये है हमारा वीडियो का पार्ट टू। तो आप देख ही सकते हैं हम लोग अभी मंदिर में ही हैं और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं और हम लोग चले गए हैं कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदने के लिए। तो आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। हाँ ऐसे लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर आए तो यहाँ से ख़रीद लीजिए। तो रखने का जगह ही नहीं है। देख रहे थे बड़ा बड़ा, लेकिन वीडियो में छोटा बना। हम लोग के अब हो रहा है नाश्ता, तो आ चुका है नाश्ता। ये भी देखिए इनको भूख लगा है, चेहरा कैसा हो गया है। बोल ही पाएंगे। तो अब जा रहे हैं मामा घर के लिए। टोटो आ गया, टोटो में बैठते हैं। रोड काफी खराब है, वहां घर पहुंच चुके हैं। पहले रोड इतना खराब नहीं था। पहुंच चुके हैं मामा घर। बोलिए बंगला, आपसे ही पूछेंगे। नहीं कमल लगे बोलो बोलो। हाँ तो बोले तो तुम्हारे कम लगे। घर आके मीठा वाला दही खाया, कैसा लग रहा है? तो अभी हम लोग मामा के घर के पीछे घूमने आए हैं। मम्मी यहाँ पे बैर, बहुत सारा बैर है। तो हम लोग बैर चुन रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। तो हम हैं मामा के घर में और मम्मी श्रीति तोड़ रही है बैर, बहुत सारा बैर लेके। इतना सारा बैर, बहुत सारा बैर है यहाँ तोड़ने का फोटो है। यस, अभी बैर कच्चे हैं काफी। ये मामा की सबसे छोटी बेटी मानु दी। अभी बैर की बारिश होने वाली है। ओ माँ, बस बस बस, ये हो गया सुनने का। कितना सारा, ये पहली बार देख रहे हैं, बहुत गिरता है। सूख गया, मामा तक नहीं हिला के देखूंगा। कितना सारा आधा कच्ची। कितना सारा है, बहुत है बहुत। और ये रहा बैर का पेड़, बहुत जैसे बहुत गिरा हुआ है, पक्का पक्का वो भी इतना है। और इधर है तालाब। आ रही है हिला, गिरेगा। दीदी यहाँ तोड़ने के लिए आ रही है। अरे बाप रे,
बस 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 ना लाल हो जाए। हाँ हाँ, और आप लोग देख सकते हैं कितना बैर गिरा हुआ है। दीदी गिराइए। अली बाकी झड़ा वो ना ना तो हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना है और मामा के घर पे हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे। क्यों वो यहाँ है लौंका मरीच, और दीदी यहाँ पे हम लोगों को दे रही है पौधा। तो यहाँ हम लोग आ गए मामा के छत पे, बहुत अच्छा है, खुला खुला छत है। मम्मी और दीदी है, हम लोग आ गए चात्रा स्टेशन घर जाने के लिए। ट्रेन थोड़ा लेट है, आधा घंटा में ट्रेन आ जाएगी। मम्मी दीदी और स्वीति साथ में है। अभी हम लोग आ गए स्टेशन घर जाने के लिए। अब मम्मी सब आ गए कि चल गए, और ये फोन से टिकट कटवा रहे हैं। मैं भी थक गई हूँ सुबह से ट्रैवलिंग, और सब घर चली जाऊंगी। देखते ट्रेन थोड़ा लेट है कब तक आता है। तो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं फिर, क्योंकि इनको टिकट फोन से बुक करना है, लेकिन स्टेशन के पास रह के आप टिकट को बुक नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ दूरी पे जाने के बाद टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए, मम्मी लोग चली गई है और मैं पूरी थक गई हूँ। आज घर जाऊंगी तो ये आराम करूंगी। हमारा टिकट बुक हो ही नहीं रहा है फ़ोन में, क्योंकि कुछ दूर जाने के लिए, लेकिन बुक मतलब कि स्टेशन पे रह के आप बुक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ, पूरा तरफ अंधेरा है, इसलिए हम लोग टिकट कटवाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड टिकट कटवा रहे हैं। हम लोग टिकट ले चुके हैं, लेकिन फ़ोन में बुक करने से बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ से लेने पे इतना ज़्यादा पैसा ले लिए, जितना लेना नहीं चाहिए उतना ले लिया है। स्टेशन में भी थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा है। अब हम दोनों जा रहे हैं मम्मी पापा के पास, सॉरी पापा बोले मम्मी या दीदी के पास घर जाने के लिए। अब बहुत बारिश भी होने लगा है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार, मम्मी दीदी हम लोग घर जा रहे हैं, बारिश भी हो रहा है। अभी बिना मतलब कहाँ से रहे हैं। तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। और यहाँ पे महाशय पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं, भींग भींग के आ रहे हैं। अरे वो महाशय भींग भींग के आ रहे हैं। अच्छा लगा भींगने में? लेकिन दे पत्ते ठीक है ना? पत्ता जो है कौन पत्ता? प्रसाद वाला, सब तो प्रसाद नीचे गिर गया है, खाली पत्ता है। क्या चीज बनाइए? दो पीस कर दो। एक नंबर खाने इतना मजा है ना, ये इतना पता है छोटा है दो रुपया क्या बारिश हो रहा है, ट्रेन में चढ़ चुके थे। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन भीड़ फिर खाली हो गई। तो
यहाँ हम चारों समोसा खा रहे हैं। दीदी और जीजू पाकुड़ स्टेशन में उतर गए थे, हम लोग वो सब शूट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ था ट्रेन में, इसीलिए अब हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं तीन पहाड़। और ये समोसा इतना ज़्यादा टेस्टी था, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और एक समोसा 2 रुपये का था, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, स्टेशन पे हैं और बारिश भी हो रहा है, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं। देखिए बारिश हुआ है इधर नहीं हुआ है, इधर सूखा है पूरा, बारिश नहीं हुआ इधर सूखा है पूरा। हम लोग अभी बढ़रवा में है और अब हम लोग तीन पहाड़ पहुँचेंगे।